लखनऊ में आज बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है। सीएम योगी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे पंचायत भवन में ये सम्मेलन होगा। 12:30 बजे विश्वेश्वरया सभागार में ये सम्मेलन होगा। शाम 4 बजे लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। प्राविधिक सहायकों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। भारतीय भाषाओं में रामकथा का विमोचन भी करेंगे। 5 KD सीएम आवास पर कल ये विमोचन होगा। तो शाम 4 बजे लोकभवन में नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में आज बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमसे लखनऊ से सीधे जुड़े हैं। रजनीश, जो सीएम योगी का पूरा कार्यक्रम है उस पर विस्तार से बताइए कि सीएम योगी पहले कहां जाएंगे और कैसे ये पूरा कार्यक्रम है उनका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है वो जाति सम्मेलन यादव बिरादरी का जाति सम्मेलन हो रहा है। विश्वेश्वरैया प्रेक्षा गृह में होगा। उसके पहले वो नोनिया समाज, चौहान समाज जिसको कहते हैं, उसके पहले उस मीटिंग में जाएंगे और उसके बाद वो 4 बजे जिस बेरोजगारी को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा था कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसको वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उसके पश्चात रामखंड काव्य की जो 4 भाषाओं में उनका रचना हुआ है उसका वो अपने आवास पे विमोचन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सबकी नजर यादव सम्मेलन प्रतिनिधि, यादव प्रतिनिधि समाज सम्मेलन की बैठक पे लगी हुई है, माना जाता है कि इस जात का किसी दूसरे पार्टी के साथ और वोट बैंकिंग नहीं बन सकता। लेकिन 2017 की सरकार में बात करें तो इस यादव समाज से एक राज्य मंत्री भी बनाया गया है गिरीश चंद यादव को, और साथ ही इनके साथ MLA चुनाव भी जीत के आए थे। तो लोगों की नजर बनी हुई है कि क्या यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे 2022 होने वाले चुनाव में रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। और जिस तरीके से लगातार शिकायतें विपक्ष का रहा है कि एक जात को टारगेट किया जा रहा है, तो उस लिहाज से ये जो बैठक है 11:30 बजे जो विश्वेश्वरैया प्रेक्षा गृह में होगा वो इम्पोर्टेंट है। रजनीश, आपको हमसे जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद। तो लखनऊ में आज बीजेपी का कार्यक्रम है, वही किस